साठ थाना क्षेत्र के मेहरोली गांव में एक बार फिर से नशेबाज युवक की दबंगाई देखने को मिली, जहां पर साइकिल सवार नशेबाज युवक ने मासूम को टक्कर मार दी। वहीं पर परिजनों द्वारा विरोध करने पर नशेबाज युवक जाति सूचक शब्दों के साथ में गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गया, जिस दौरान पीड़ित परिजनों ने इस घटना की जानकारी साठ थाना पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि पीड़ित परिजन गुड़िया पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उनका बेटा शिवम उम्र लगभग 8 वर्ष गांव में समय रात लगभग 8 बजे दुकान गया हुआ था। जब दुकान से वापस लौट रहा था तभी गांव के ही नशेबाज युवक ने उसको टक्कर मार दी, जिसके चलते उसके गंभीर चोटें आईं। जिन्होंने जब इस बात का विरोध किया तो गाली गलौज जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट पर आमादा हो गया। वहीं पर पीड़ित परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जहां पर पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक की तलाश में रही। संवाददाता मनु शर्मा की रिपोर्ट। बच्चे के साथ ही हुआ तो मैं घर पे था नहीं, और मेरी बीबी ने बच्चों को भेजा था सामान लाने के लिए दुकान। इसके बाद जा रहे थे बच्चे रास्ते में, तो उसी के नशेबाज एक खुद्दुम गांव का व्यक्ति है वो आया। इसके बाद बच्चों के साइकिल से टक्कर मार दिया, जिस वजह से बच्चों को गंभीर चोट आई है, 4 टांके लगे हैं चेहरे पे। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस को नहीं किया क्या? इसकी शिकायत पुलिस को करने अब आए हैं। कहाँ पर? और मैंने यहीं साठ थाना, और मैं इसके यहाँ घर गया। घर जाने के बाद में हमने इससे कहा मेरे बच्चे को क्यों ऐसा किया, तो इसके बाद गाली गलौज करने लगा, जात सोचित के बेशब्द बोलने लगा। अच्छा, ये कब की घटना है? ये कल शाम 7:30 बजे की है।